सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों के मौसम में सिंघाड़ा मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। सिंघाड़ा ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसे आप काफ़ी चीज़ें बनाकर खा सकते हो। इसे बॉईल करना भी बहुत ही आसान है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंघाड़े को कैसे बॉईल किया जाता है, वो भी झटपट और आसानी से। बहुत से लोग कहते हैं कि सिंघाड़े को बॉईल करना बहुत ही मुश्किल है, पर मेरे ट्रिक से आप अगर ये करोगे तो झटपट से और आसानी से बॉईल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है सिंघाड़ा। यहाँ मैंने बिल्कुल फ्रेश सिंघाड़े ले लिए हैं, ये देखिए। तो इसके ऊपर जो धूल मिट्टी है, इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे साफ पानी से वॉश कर लेना है। तो इसे अब हम एक बड़े से बाउल में ले लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं साफ पानी। और अब हमें क्या करना है, इसे रगड़ते हुए दो बार साफ पानी से धो लेना है, जिससे क्या होगा ना, इस पे कोई धूल मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। और ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें से ब्लैक कलर भी ये निकल रहा है, ये देखिए। तो इसलिए हमें बॉईल करने से पहले इसे फ्रेश पानी से दो बार धोना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हमें इसे दो बार फ्रेश पानी से धोना है। ये देखिए, मैंने अच्छे से इन्हें धो लिया है। अब हमें क्या करना है, कुकर लेना है और कुकर में ये धुले हुए सारे सिंघाड़े डाल देना है। अच्छे से इसे फैला देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें पानी नहीं डालना है। एक बॉल में मैंने यहाँ पानी लिया है और इस तरीके से हमें कोई रुमाल या कॉटन का कपड़ा लेना है या इस तरीके से नैपकिन लेना है और इसे हमें पानी में भिगो लेना है। ये देखिए, एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है इस तरीके से। आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें से पानी निकाल दिया है और अब हमें सिंघाड़ों पर इसे इस तरीके से फैलाते हुए रख देना है। पानी हमें इसमें नहीं डालना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें फैलाते हुए रख दिया है और अब हम इस कुकर की लीड लगा देते हैं और एक विसल आते तक ही हमें इसे गैस पे रखना है। ये देखिए, मैंने गैस पे रख दिया है कुकर, बस एक विसल ही हमें कुकर की लेनी है। तो ये देखिए, एक विसल आ चुकी है। तो अब मैं कर दूंगी गैस को ऑफ। गैस को ऑफ कर देते हैं और कुकर को थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए, कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है, गैस नहीं है इसमें। तो अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए, नैपकिन को निकाल लेते हैं और ये देखिए, सिंघाड़े हमारे बॉईल हो चुके हैं। इन्हें एक छन्नी में हम डाल लेते हैं ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी निकला है जो कि भाप से बना है, तो इसे हम निकाल लेते हैं और इन्हें थोड़ी देर हमें ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये ठंडे हो जाए। तो ये देखिए, अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे कट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर के साइड से इस तरीके से कट करना है और उसके बाद ये जो साइड से यहाँ से कट करना है। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये छिलका ऊपर का निकल जाता है। ये देखिए, दोनों साइड से मैंने इसे कट किया है और बस उंगलियों की मदद से ये देखिए, बॉईल सिंघाड़ा निकल चुका है। और ये देखिए, कितने अच्छे से बॉईल हो चुका है। ये देखिए, अब मैं आपको इसे कट करके दिखा देती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा गलगला सा भी बॉईल नहीं हुआ है, ना ज्यादा कड़क है, बिल्कुल प्रॉपर ये बॉईल हो चुका है, ये देखिए। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप बहुत ही आसानी से सिंघाड़े को बॉईल कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी मचमचा सा बॉईल नहीं होता है, ना ज्यादा कड़क। आपको ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप सिंघाड़े से सिंघाड़े की सब्जी बना सकते हो, सिंघाड़े का चाट बना सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। साथ ही सिंघाड़ा बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं आपको इसे फिर से कट करके दिखाऊंगी। आप उंगलियों से भी इसे इस तरीके से कट कर सकते हो, ये देखिए, आसानी से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। फिर मिलेंगे, बाय बाय।